दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल पर और आज हम सीखने वाले स्क्वायर रूट करने की एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक को सीखने के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ सीखनी होगी, आपको सिर्फ एक से दस तक के स्क्वायर रूट आने चाहिए, मतलब एक से दस तक के स्क्वायर आने चाहिए जिनका स्क्वायर रूट होता है। वैसे चलिए देखते हैं दोस्तों, वैसे एक का स्क्वायर होता है एक होता है, दो का स्क्वायर होता है चार, तीन का स्क्वायर होता है नौ, चार का स्क्वायर होता है सोलह, पाँच का स्क्वायर होता है पच्चीस, छः का स्क्वायर होता है छत्तीस, सात का स्क्वायर होता है 49, आठ का स्क्वायर होता है 64, नौ का स्क्वायर होता है 81 और दस का स्क्वायर होता है 100। आपको इसमें याद क्या रखना है दोस्तों, जैसे कि एक का स्क्वायर एक है तो इसका लास्ट डिजिट एक होगा, मतलब इसमें एक ही डिजिट है ये एक होगा। वैसे ही ये नौ के लास्ट डिजिट में भी एक है, आपको ये दोनों याद रखने, एक एक के एक नौ में, इन दोनों में लास्ट डिजिट एक है। वैसे ही दो में और आठ में, दोनों में लास्ट डिजिट चार है, ये देखिए दो और आठ, आठ के स्क्वायर में लास्ट डिजिट चार है। वैसे तीन और सात में लास्ट डिजिट नौ है और वैसे ही चार और छः में लास्ट डिजिट छः है। इतनी बात याद रखनी, इसके बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और लेते हैं कोई भी नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ हम लेते हैं एक नंबर 3364। आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे? हमने सीखा जैसे कि एक से दस का स्क्वायर हमें पता है, तो किसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट में फोर आता है? एक तो आता है दो के स्क्वायर में और एक आता है आठ के स्क्वायर में। दो और आठ के लास्ट डिजिट में, स्क्वायर के लास्ट डिजिट में फोर आता है। तो चलिए ये दो, मतलब लास्ट डिजिट में जिसका ये स्क्वायर रूट है इसके लास्ट डिजिट में या तो दो आएगा या आठ आएगा। चलिए और इसमें हमें अब क्या करना है कि दो लास्ट वाले दो डिजिट, जो लास्ट वाले जो दो डिजिट है उसको छोड़ देना, अब आगे चलते हैं दो डिजिट। तो ये जो आगे वाले दो डिजिट है ये किसके स्क्वायर के, इसके नीचे किसका स्क्वायर आता है? एक का स्क्वायर एक है, दो का स्क्वायर चार है, तीन का स्क्वायर नौ है, चार का स्क्वायर सोलह है, पाँच का स्क्वायर पच्चीस है, छः का स्क्वायर छत्तीस है, जो इससे बढ़ जाता है, मतलब इससे छोटा कौन सा स्क्वायर है? पाँच का स्क्वायर। तो हमें इससे क्या लेना है, या इसका छोटा स्क्वायर जो होगा तो पाँच लेना है। अब इन दोनों में से हम एक तो आगे तो पाँच आ गया, अब पीछे इन दोनों में से एक आएगा, पर इन दोनों में से जो कौन सा आएगा उसको हम कैसे डिसाइड करें? तो हमें क्या करना है, इस पाँच के आगे वाले डिजिट जैसे कि छः हो, तो पाँच के आगे वाले डिजिट छः से हमें पाँच को गुणना है, पाँच इंटू छः कितना आता है तीस। पर यहाँ पे इस जो ये जो नंबर है इसमें क्या है 33 है, तो मतलब हमारा वाला नंबर ये पाँच इंटू छः से ज़्यादा है, हमारा वाला जो नंबर है 33 वो 5 इंटू छः से ज़्यादा है। तो हमें इस दोनों में से जो बड़ी डिजिट है वो लेनी है, मतलब 8 लेनी है। तो 5 एक हमारा और 8, तो मतलब 58 का स्क्वायर आता है 33664। ओके तो चलिए दोस्तों एक और नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, जैसे लेते हैं 7569। ओके इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है हमें पता नहीं है, तो चलिए देखते हैं इसके लास्ट डिजिट में क्या है, 9 है। तो किसके लास्ट डिजिट का, किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में नौ आता है? एक तो तीन के स्क्वायर के और दूसरा आता है सात के, तीन और सात के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में नौ आता है। तो हमें ये दो डिजिट लास्ट वाले छोड़ देने, लास्ट में अगर ये पांच डिजिट का होता है तो भी हमें लास्ट के दो डिजिट छोड़ देने और आगे चलते हैं। अब इसके नीचे किसका स्क्वायर आता है, तो मतलब आठ का स्क्वायर आता है जो 64 आता है आठ का, फिर नौ का स्क्वायर 81 हो जाता है, तो मतलब इसके नीचे आठ का स्क्वायर आता है तो आगे आठ आएगा। अब आठ इंटू नौ करते हैं, आठ से एक बड़ा डिजिट है उससे गुनते हैं, तो आठ इंटू नौ 72, ये 72 और हमारे नंबर में 75, मतलब हमारा वाला नंबर बड़ा है, तो हमें इन दोनों में से बड़ा नंबर लेना, बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो 8 और 7 मतलब 87 स्क्वायर 7569। ओके मतलब 87 का स्क्वायर होता है 7569। दोस्तों इस ट्रिक से अगर आपको एक से सौ तक के किसी का भी स्क्वायर रूट, मतलब जिसका स्क्वायर रूट एक के सौ के बीच में आता है, वैसा कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो आप उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब आपको सिर्फ एक से दस तक का स्क्वायर आना चाहिए। फिर आप अगर इस ट्रिक की प्रैक्टिस करेंगे थोड़े या 10 या 15 क्वेश्चन तो आपको आसानी से आना लगेगा और आप जल्दी से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और मज़ेदार ट्रिक पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।